आज मैं पहुंच चुका हूं तमिलनाडु के मदुरई शहर में, जहां पर 3500 वर्ष पुराना एक मंदिर स्थित है जिसे हम मीनाक्षी टेम्पल के नाम से जानते हैं। और यह मंदिर दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है और यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। तो इसी मंदिर से रिलेटेड कुछ कहानियां और यहां का रियल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। तो ठीक एक सुबह मुजफ्फरनगर से चंडीगढ़ एक्सप्रेस पकड़ने के बाद 48 से 49 घंटे कंटिन्यू जनरल कंपार्टमेंट में सर्वाइव करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं मदुरई रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में और मैं अभी हूं तमिलनाडु के मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। 48 से 49 घंटे की कंटिन्यू ट्रेन जर्नी करने के बाद मैं यहां पर पहुंचा हूं मीनाक्षी टेम्पल देखने के लिए। और अगर आप कभी रामेश्वर देखने आ रहे हो तो भाई मीनाक्षी टेम्पल को अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करना, क्योंकि यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है और 1500 से 2000 साल पुराना यह मंदिर है। और इस मंदिर की जो नक्काशी है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ ही देर में आपको मंदिर दिखाते हैं, बाकी आप तमिलनाडु के नज़ारे देखिए। और ये देखिए ये है मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अभी तो मुझे भूख लग रही है क्योंकि यार सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यार ट्रेन में कुछ खास खाने के लिए मिल भी नहीं रहा था। तो अभी देखते हैं वैसे यहाँ पर क्या मिलता है खाने के लिए। तो पहले कुछ खाते हैं उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं मीनाक्षी टेम्पल। भाई अगर मैं यहाँ पर आपके खाने की बात करूँ तो भाई चारों ओर नॉन वेज नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता कहीं पर वेज मिल जाएगा, अगर कहीं पर वेज मिलता है तो कुछ खाते हैं। बाकी मैं इस शहर के लिए बिल्कुल अनजान हूँ और एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होने वाला है, यहाँ के लोग कैसे हैं। मिलते हैं यार, देखते हैं। भाई एक बार मीनाक्षी टेम्पल जाने का रास्ता किसी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि इस शहर के लिए मैं बिल्कुल अनजान हूँ और मुझे कुछ नहीं पता है। बाकी देखता हूँ अन्ना वेर आर मीनाक्षी टेम्पल। लेफ्ट मुंडा, ओके लेफ्ट साइड। भाई देखते हैं, भाई इस शहर के लिए मैं बिल्कुल अनजान हूँ और इन लोगों से शायद हिंदी आती भी नहीं है, बस तमिल आती है। और मुझसे भी भाई इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, बाकी टूटी फूटी इंग्लिश से बात करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को यार तमिलनाडु। तो भाई रेस्टोरेंट पर तो आ चुके हैं, अभी कुछ खाते हैं। ये सामने रेस्टोरेंट है, सब साउथ इंडियन फूड मिलेगा। बाकी देखते हैं यार क्या मिलता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। आ चुका है हमारा खाना केले के पत्ते के ऊपर। भाई एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा आज, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा आज साउथ इंडियन फूड का। बाकी देखो सभी कितने अच्छे तरीके से खा रहे हैं। हमारा कुछ मीठा दूध, ये चावल और ये चने की दाल टाइप कुछ चटनी, ये पापड़, ये और ये पता नहीं क्या है। हमें समझ में नहीं आ रहा यार चावल काहे के साथ खाने हैं। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई चावल काहे के साथ खाने हैं। बाकी देखते हैं यार, बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस होने वाला है इधर का। भाई खाना बहुत अच्छा लगा आज लाइफ में, मतलब फर्स्ट टाइम साउथ इंडियन फूड खाया है। अब तक वैसे साउथ इंडियन फूड नहीं खाता, लेकिन आज पहली बार साउथ इंडियन फूड खाया है। और खाने के लिए आपको बस भाई यहाँ पर चावल मिलेगा, चावल के साथ बाकी अदर सब्जियाँ ऐसा ही कुछ मिलता है, बाकी रोटी वोटी ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पर चावल ही ज़्यादा होते हैं। बाकी अब चलते हैं मंदिर में, आपको दिखाते हैं मीनाक्षी टेम्पल। ये भाई मीनाक्षी टेम्पल जो कि 1500 से 2000 वर्ष पुराना है। और ये जो मतलब इसके मंदिर के ऊपर निकासी की गई है ना भाई, कितनी ज़बरदस्त तरीके से की गई है। देखो मतलब ऊपर तक ही प्रतिमा बनाई हुई है, और आपको करीब ले जाकर दिखाता हूँ मैं इस मंदिर को। लेकिन अगर पहले मैं बात करूँ आपके यहाँ पहुँचने की, तो आप बाय ट्रेन या बाय बस या बाय फ्लाइट या अपने पर्सनल व्हीकल से भी बड़ी आसानी से आ सकते हैं। और यह मंदिर भाई रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस यहाँ आने के लिए आपको मदुरई पहुँचना पड़ेगा। मीनाक्षी मंदिर, जिसे मीनाक्षी अम्मा मंदिर भी कहा जाता है, और यह मंदिर माता पार्वती को ही समर्पित नहीं है, यह मंदिर भगवान शिव यानी सुंदरेश्वर को भी समर्पित है। यह एक ऐतिहासिक मंदिर है और कहानी कुछ इस प्रकार है। हिंदू पौराणिक कथाओं अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पांडव राजा मलिध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरई नगर में आए थे, और मीनाक्षी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। इस मंदिर को देवी पार्वती के सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। देवी पार्वती ने पूर्व में पांडव राजा मलिध्वज मदुरई के राजा की घोर तपस्या के फल स्वरूप उनके घर में एक पुत्री के रूप में अवतार लिया था। वयस्क होने पर उसने नगर का शासन संभाला, तब भगवान आए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा।
का जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस विवाह को विश्व की सबसे बड़ी घटना माना गया। मंदिर में प्रवेश करने के लिए चार द्वार है। इन द्वारों को गोप्रो में भी बोला जाता है और दक्षिण द्वार सर्वोच्च द्वार है और मंदिर के चारों प्रवेश द्वारों पर ऊपर तक ही प्रतिमा बनाई गई है जिन्हें बेहद ही सुंदर तरीके से बनाया गया और बेहद ही सुंदर तरीके से रंग भरा गया है। इस मंदिर का गर्भगृह 3500 वर्ष पुराना है। इसकी बाहरी दीवारें और अन्य बाहरी निर्माण लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराने हैं। इस पूरे मंदिर का भवन सम्मुख लगभग 45 एकड़ भूमि में बना हुआ है और मंदिर के अंदर 1000 से भी अधिक स्तंभ है जिनके ऊपर बेहतरीन तरीके से नक्काशी करके प्रतिमा बनाई हुई है जिन्हें देख कर लगता है कि सच में यह 2000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। और जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है तो सबसे पहले पवित्र सरोवर के दर्शन होते हैं। पवित्र सरोवर 165 फीट लंबा एवं 120 फीट चौड़ा है। यह मंदिर के भीतर अति पवित्र स्थल है। भक्तगण मंदिर में प्रवेश करने से पहले इसकी परिक्रमा करते हैं। इसका शताब्दी अर्थ है स्वर्ण कमल वाला सरोवर और इसमें होने वाले कमलों का वर्णन भी स्वर्ण ही है। एक पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव ने एक सारस पक्षी को यह वरदान दिया था कि इस सरोवर में कभी भी कोई मछली या अन्य जीवन पैदा नहीं होंगे और ऐसा हुआ भी। और इस मंदिर का निर्माण मदुरई के पांडु राजा ने कराया था। अन्ना अन्ना वेयर आर एंटर दिस टेंपल एंटर या या एंट्रेंस यू हैव टू गो देयर एंड टेक राइट। ओके ओके ओपनिंग विल बी अराउंड 450 कितना 250 ईवनिंग 5 PM अराउंड 5 PM दिस टाइम इज क्लोज 3:30 PM ईवनिंग बाय ईवनिंग यस ओके ओके दिस इज आई थिंक लंच टाइम okay this time is closing yes this is actually closing you have to go there and you have to surrender your mobile phones everything okay okay before entering mobile phone is not allowed inside the temple mobile phone yes mobile phone okay camera is not allowed okay thank you so much भाई मोबाइल तो अंदर नहीं ले जा सकते, बाकी देखते हैं जहाँ तक मोबाइल ले जा सकते वहाँ तक मोबाइल लेके जाएंगे और आपको जितना हो सके उतनी कोशिश करेंगे मीनाक्षी टेम्पल को बहुत अच्छी तरीके से दिखाने। और भाई अभी मंदिर क्लोज है, 3:30 के करीब यह मंदिर खुलेगा। इस टाइम लंच टाइम हो रहा है तो 3:30 जैसे ही मंदिर खुलेगा उसके बाद मंदिर में एंटर होते। बाकी ये देखो सभी लोग मतलब बाहर इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही मंदिर खुलेगा सभी अंदर जाएंगे तो फिर हम भी अंदर जाएंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं आप मंदिर के अंदर किसी भी तरह की वस्तु नहीं ले जा सकते, तो इसीलिए मंदिर जाने से पहले आप अपनी सभी तरह की वस्तुएं जमा करा दे तो ही अच्छा है। और हाँ, मंदिर में आप हाफ पैंट या किसी भी तरह का शॉर्ट पहनकर भी नहीं जा सकते हो। हालांकि मंदिर के अंदर फोन या किसी भी तरह की वस्तु का ले जाना अलाउ तो नहीं था, लेकिन हाँ आपको इस वीडियो में किसी तरह की कोई कमी तो महसूस नहीं हुई होगी। तो इस वीडियो करते ही पर एंड मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।